वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम सूजी चॉकलेट केक बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। इस केक को बनाने में हम मैदा, बिस्किट या बटर का यूज़ नहीं करेंगे। बच्चों का तो ये बहुत ही फेवरेट होता है, बनाने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिक्सी का जार लेना है, इसमें हमें सूजी ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है और 1/4 कप सूजी और ली है। दोनों को हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर शक्कर लिया, ये भी हम इसमें डाल देंगे। 1/4 कप हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है जिसे हम चपाती बनाते हैं, ये भी इसमें अब हम डाल देते हैं। सभी को अब हम ब्लेंड कर लेते हैं। बिल्कुल हमें पाउडर के जैसा इनको पीसना है, बिल्कुल हमें बारीक तैयार करना है, बिल्कुल हमें इस तरह पाउडर के फॉर्म में इसको पीसना है। अब पीसी हुई सामग्री को हम बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे 1/3 कप। 1/2 कप हमें लेना है दही, दही खट्टा नहीं हो। अब हमें लेना है 1 कप दूध, दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। पूरा दूध हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना है और सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, बिल्कुल भी लम्स और गुठली इसमें नहीं रहनी चाहिए। एक ही डायरेक्शन में हमें इसको हिलाना है। पूरा दूध हमने इसमें नहीं डाला है, 3 टेबल स्पून दूध जो है हमने बचा कर रखा है। इस तरह हमें इसको ढककर 20 मिनट के लिए रखना है, जब तक कि जो है सूजी अच्छी तरह से फूल जाए और सेट हो जाए। तो इसको अब हम ढककर रख देते हैं। अब हम कढ़ाई को प्री हीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये मोटे पेंदे की कढ़ाई रखी है, इसमें मैंने 1 कप जो है नमक ऐड कर दिया है। ये नमक जो है बेक करने के लिए आप बार बार यूज में ले सकते हैं, इसको आप फेंकिए नहीं। इसके अंदर अब जो है हम एक स्टैंड लगा देते हैं और इसको अब हम ढककर रख देते हैं। इसको हमें 5 मिनट फुल फ्लेम पे जो है प्री हीट करना है। और 5 मिनट होने के बाद जो हम फ्लेम को कम कर देंगे और 5 मिनट कम फ्लेम पे हमें कढ़ाई को प्री हीट करना है। टोटल हमें 10 मिनट जो है कढ़ाई को प्री हीट करना है। कढ़ाई प्री हीट होती है तब तक चलिए केक टिन को हम ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने केक टिन लिया है, आप कोई सा भी शेप का केक टिन ले सकते हैं। केक टिन यदि आपके पास नहीं है तो आप किसी भगोने के अंदर भी जो है इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे और तेल से जो है चारों तरफ से हमें इसको अच्छे से ग्रीस करना है। लेकिन हमारा अच्छे से ग्रीस हो गया है, अब हम बैटर चेक कर लेते हैं। बैटर को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं, तो इसको अब हम एक बार खोल लेंगे। बैटर भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है, फूल के भी जो है काफी बढ़ गया है, आप देख सकते हैं। सूजी वैसे भी फूलती है तो इसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा जो दूध हमने रखा था ना वो इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि जो है बैटर थोड़ा सा जो है गाढ़ा हो गया है पहले से। थोड़ा सा दूध हम डाल देंगे, एक बार फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैंने कोको पाउडर लिया है 1/4 कप, ये हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लिया है बेकिंग पाउडर, ये भी अब हम डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर लिया बेकिंग सोडा, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तरह का हमें बैटर रखना है, आप देख सकते हैं। यदि आपका बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो आप दूध मिला सकते हैं और हमें इसको इस तरह हिलाना है बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में, ताकि इसमें हवा अच्छी तरह से भर जाए। अब जो हमने केक टिन ग्रीस किया था उसमें ये बैटर हम फिल करेंगे और ये अब हम डाल देंगे। बैटर को हमने फिल कर दिया है, इसको हल्का सा हम इस तरह टेप करेंगे ताकि जो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई प्री हीट हो गई है, तो चलिए अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। बहुत ही सावधानी से हटाना है क्योंकि कढ़ाई जो है गर्म है। अब इसमें हम केक टिन को रखेंगे, अब हम केक टिन को रखेंगे और ढक्कन लगा देंगे ताकि अच्छे से बेक हो जाए। 5 मिनट हमें पहले फुल फ्लेम पे इसको बेक होने देना है और 25 से 30 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे बेक होने देंगे। जब 25 मिनट हो जाएंगे तो एक बार हम चेक कर लेंगे। तो चलिए एक बार अब हम चेक कर लेते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा केक हमारा फूला है। अब हम स्टिक लगा के भी चेक कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा अभी चिपक रहा है, तो 5 मिनट के लिए हम इसको और बेक करेंगे।
तो इसको अब हम ढक देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा केक हमारा बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा खुला है। तो इसको अब हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ही हमें इसको निकालना है। केक जो है ठंडा हो गया है, तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो इसको अब हम उल्टा कर लेंगे और निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा केक हमारा बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए कितना सॉफ्ट केक हमारा बना है। अब इसके ऊपर मैं डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके लगा रही हूँ। यदि आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है तो आप डेरी मिल्क को भी मेल्ट करके लगा सकते हैं। तो स्पून की मदद से हम इसको चारों तरफ से लगा लेते हैं। इस तरह मैंने डार्क चॉकलेट जो ऊपर से लगा ली है। अब यहाँ पर मैंने कोन बनाया है, इस पर अब हम लाइनें करेंगे। इस तरह देखने में बहुत ही सुंदर हमारा केक लगेगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये व्हिप्ड क्रीम जो है मैंने घर पे ही बनाई है। आप जानना चाहते हैं कैसे है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत ही सुंदर हमारा केक बनकर तैयार हुआ है, तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो चलिए केक को अब हम कट कर लेते हैं। 2 पीसेस हमने कट कर लिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। वाओ, देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है, देखिए कितनी अच्छी जाली बनी, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसे अब हम एक प्लेट पे रख लेते हैं। चलिए इसको अब हम कट करेंगे। इस तरह घर पे भी हम आसानी से बेकरी से भी अच्छा केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने में भी कोई ज्यादा टाइम हमें नहीं लगता है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।